नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस खबर में हम ये जो ऊपर विश्वविद्यालय उच्च संस्थानों में शैक्षिक सत्र सितंबर से शुरू हो, इस पूरी खबर को हम कवर करने वाले हैं। देखिए इसमें किन किन बिंदुओं पर विचार किया है यूजीसी पैनल ने। तो दो पैनल बनाए गए थे अभी जल्दी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। कुछ दिन पूर्व जिन दो समितियों का गठन किया था, उन दोनों समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो उसी संबंध में ऑनलाइन कक्षाएँ जो शुरू की गई थी और इन सब पर विचार करने के लिए यूजीसी ने दो पैनल बनाए थे। उन दो पैनल को जिम्मेदारी दी थी कि वो कुछ बिंदुओं पर अपना अध्ययन कर उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो उस पर अपनी रिपोर्ट दी है दोनों समितियों ने। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें लिखा, दोनों समितियों ने इस रिपोर्ट में सभी कॉलेजों में विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा यानी ऑनलाइन परीक्षा कराने का सुझाव दिया है एवं ऑनलाइन कक्षाओं को संचालन करने का सुझाव दिया है। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अगर बच्चे पढ़ने आते हैं तो ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो लिखा है, विश्वविद्यालय और विशेषज्ञों द्वारा जो सुझाव समिति को प्रदान किया गया है वह यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जब तक देश में हालात सुधर नहीं जाते तब तक किसी भी कीमत पर छात्रों को पढ़ने के लिए कक्षाओं में बुलाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे छात्रों के बीच फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने में समस्या उत्पन्न की जाएगी हो जाएगी। विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों ने समिति को यह सुझाव दिया कि जिन शहरों अथवा जिन जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं है वहाँ के छात्रों को लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात आगामी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु छूट प्रदान की जाए, जिससे वे अगले सत्र में प्रवेश हेतु अपनी तैयारी कर सकें। ऑनलाइन परीक्षा करवाने के परिप्रेक्ष्य में समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अभी हमारे सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पास ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। हाँ, जिनके पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं वे अपनी ऑनलाइन परीक्षा करवा सकते हैं। समिति ने अभी सुझाव दिया कि ऐसे छात्र जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के पहले तथा दूसरे वर्ष में हैं उन्हें पिछले सेमेस्टर के आधार पर प्रोन्नत करने के लिए एकेडमिक काउंसिल में एक प्रस्ताव पास किया जाए, मतलब उन सबको पास कर दिया जाए, ठीक है। समिति ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर भी अपने सुझाव यूजीसी को दिए हैं, जिसमें समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 में सिलेबस को पूरा करने के लिए शनिवार एवं रविवार को भी ऑनलाइन क्लासेस सहित एक्स्ट्रा क्लासेस एवं छुट्टियों को कम करने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। अब इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या अपनी रिपोर्ट देता है, अंतिम दिशा निर्देश क्या जारी करता है, वो भी खबर हम आपको जल्दी से देंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।